तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, अली अजगर एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत वेलकम। तो बहुत दिन से थोड़ा बिजी था मैं, आज टाइम मिला फैमिली टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इतना अच्छा नसीब वाला हूँ कि मैं फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड कर रहा हूँ मतलब। और माशाल्लाह माशाल्लाह खाना पीना एकदम मस्त हो चुका है हम लोग का। और आज एक नई चीज़ मालूम पड़ने वाली है आप लोग को, तो ध्यान से देखना। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैसेज वाली भी है जो लोगों को देखना चाहिए और ये ज़िंदगी में अमल करना चाहिए। तो यह आप लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अगर देखेंगे तो भी गुड, नहीं देखेंगे तो भी वेल एंड गुड। तो गाइस अभी हम लोग आगे एक प्रैंक करने वाले, मैं और सुफियान। तो गाइस प्रैंक ऐसा, अभी हम लोगों ने सोचे है कि यहाँ पर किचन में ना कचरा बहुत है, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसा सोचे है कि प्रैंक करेंगे निदा पे और आंटी पे कि यहाँ पर अंकल ने खा के प्लेट रख दी और कचरा हो गया। तो बस उसके ऊपर अभी मस्त हम लोग तालमेल जमाएंगे और आगे देखेंगे प्रैंक कैसा होने वाला है। तो गाइस मैं आप लोग को एक मैसेज देना चाहता हूँ, गाइस प्रैंक को सिर्फ एक प्रैंक की तरह लो, नहीं तो आप लोग कुछ अलग वे में चले जाते हैं कि बदतमीजी। ये एक एक्ट है, शाहरुख खान को गोली लगती तो मरता तो नहीं है ना, वो पिक्चर है। तो वैसा ये प्रैंक है, तो प्रैंक को एक मस्ती में लो गाइस। तो चलो गाइस आगे देखते रहो, फुल टू धमाल है वो तो है अंकल, अभी क्या बोलूं मैं। है क्या है बेटा, ऐसा थोड़ी है होता है सब चीज यार। तुम लोग का तो हमेशा का वही है, बस आओ नहीं तो मुंह बनाओ, ये करो वो करो। अंकल जो चीज बोला वो तो मतलब देखा तो बोला ना, ऐसा थोड़ी मैं अपनी मर्जी से बोल दिया। ऐसा थोड़ी होता है, कोई वो भी होता है, बड़े छोटे की इज्जत भी होती है। तो मैं थोड़ी कोई बुरा तरीके से बोला अंकल, आपको मुझे नॉर्मली बोला गया कचरा हो रहा खाली वहाँ का, मत करो कचरा बस। ये तो घर है, घर क्या, तू मेरे वहाँ आता तो क्या कचरा नहीं करता है तू? मेरे को एक चीज बता, तो निधा उठा लेती ना। अरे क्या थोड़ी देखो मेरे घर पे बोलता कि बेटा ये कचरा उठा के रख, तो इसी बात कर रहे हो यार। क्या हो गया, कौन सा कचरा? वहाँ प्लेट पड़ी थी, मैं बोला अंकल वहाँ प्लेट वहाँ मत रखो, कचरा हो रहा है तो बुरा लग गया। तो पूरे घर में तो कचरा है अभी। अरे जब देखो, जब अभी आया हो, जब कल भी मैं लेटा हूँ तो आके इस तरीका मेरे को यूँ देख रहे तुमको प्यार व्यार हो गया। अरे मैं बोला क्या हुआ भाई, देखो तकलीफ है कुछ? तो बोला अंकल सोने का। अरे मैं लेटा हूँ देख रहा, तू पैर में मेरे लगा हुआ है मार, मैं लेटा हूँ तो तेरे को वो करना चाहिए ना। क्या चलो अंकल सो रहे, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं नहीं एडजस्ट करता क्या घर के ऊपर? ऐसा तो बोल देना भाई, मैं नहीं आऊंगा घर पे। क्यों चिल्ला रहे? अजीब हो, देख रहे अभी बैठा तो उसको तकलीफ हो रही है। अभी यहाँ बैठा तो उसको यहाँ तकलीफ, वहाँ पलंग पे अभी मेरे को कल इच्छा नहीं बोलता अंकल जरा चाय बना दो। अरे यार तू शर्म तो कर, तो अंकल को बोल चाय बना दे। तुम अच्छी बना दो अंकल, तुम ही बोलते हो ना उसको, तुम ही बोलते होगे भाई। भाई आज के बाद मेरे को घर वर पे आने का नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तेल लगाने का यहाँ पर मेरे को आने का नहीं है, खत्म। क्यों नहीं आने का? उन लोग के लिए दरवाजा अपना खुला है, अपने को इधर नहीं आने का। हाँ ठीक है, ओके। और कुछ बोलने का? मस्ती हो गई, हो गई मस्ती, मस्ती दूर लगी, हो गई मस्ती। अंकल इतनी सी बात पे बुरा लगाने की बात नहीं है अंकल, मैं को ऐसा दिल से नहीं बोला मतलब। अभी बोले बोले बैठा हो, अब वहाँ बैठा हूँ मैं, फोन पे बात कर रहा हूँ अंकल, फुग्गे फुगाओ ना अंकल, ये करो ना। अरे जब से आया जब से काम, अरे देख रहे एक दिन आराम मिल रहा है मुझे, तुम भी तो काम कराते हो ना उससे, तो क्या हो गया? मैं कौन सा काम करा रहा हूँ? उसको घर पे आता तो बता मेरे को, एक काम बोलता है उसको, मेरा वो समझता है ना, वो क्या बोलते हैं दैवी जैसा समझता है इसलिए बोलता है वो। अरे अपन बोलने का तरीका होता है ना अंकल, कौन से गलत तरीके से? अभी भी जरा अंकल वहाँ सर को जगाने, प्यार से तो नीचा से कब से कुर्सी में बैठा, कुर्सी में बैठा, अब उसको बता रहा है कि मैं बहुत तकलीफ उठा रहा हूँ। छोटी सी बात को इतना, छोटी क्या है छोटी, तुम क्या छोटी छोटी कर रहे हो? छोटी सी बात है, आजू बाजू वाले आ जाएंगे, वो रात का जिसके बाप का थोड़ी गा रही तो आ जाएगा तो डरेगा जिससे। अपन क्यों बोल रहे हो? मैं को बोल दो ना, मैं कर दूंगी काम यार। काम की बात, मैं पिछले बार भी ऐसा होता, मैं इसको मना किया था मैं नहीं आ रहा, इसके लिए मैं पहले दिन नहीं आया, मेरा काम था तो मैं नहीं आया, मना नहीं आज सैटरडे भी नहीं आता। तो तुमको जो भी गिले शिकवे उसके साथ बैठ के एक बार क्लियर करो, उसके लिए झटके क्या दिखाने गए? अरे गिले शिकवे क्या, मोहब्बत थोड़ी हम लोग के भाई भाई, जानू मैं को ये तकलीफ हो रही, जानू मैं ये बोलूं क्या हुआ तेरे को? अरे वो जोहान को देख रही हूँ, अली भी सोया हुआ साथ में, अभी मैं जाऊंगा तो बोलेगा देखो तुम्हारे अब्बा ऐसा किए, जान ये कंप्लेंट करेगा नीता को, नीता की नजर में मैं बुरा बनूंगा। काहे की कंप्लेंट, वो ऐसा नहीं, जो भी मुंह पे बोलता है सामने सामने बोलता है, पीठ पीछे नहीं बात करता है वो।
तुम्हारे को ऐसा लगता होगा? मेरे को लग रहा है ना, तो बेचारा ऑलरेडी काम के स्ट्रेस में रहता है, कहां से उसको बोले रो क्यों रहे हो, वो ऑलरेडी अभी टेंशन में, तुम्हारी आंख क्यों इतनी सी छोटी हो गई, अभी ऑलरेडी इतना टेंशन में है वो, तुम ऐसा मत करो। अरे टेंशन मेरे को भी है जान, सबको टेंशन रहता है जान, जी सबको टेंशन है, दुनिया को लगता है अपन बहुत खा पी के मस्त मेहनत कर रहे इसलिए खा रहे पी रहे मजे में, अल्लाह का शुक्र है। अभी ऐसे सब स्ट्रेस वाला माहौल चल रहा है ना, अभी लोग का ब्रांड का भी आ गया, फिर माशाल्लाह बच्चा भी आ गया, फिर अभी सब घर में सेट वेट कर, तो होता है आदमी का जान, मैं भी सुबह रात भर सोता रहता, मैंने कभी इसको तकलीफ नहीं दिया कि भाई तू जरा बाहर आके सो, मैं अंदर सोता हूँ, तुमको बोला ऐसा क्यों सुना रहे हो, बोला बोल क्या नहीं सुना, मैं इसी बता रहा हूँ, तुम अभी आज मैं सोया उसने सीधा ऐसा देख रहा हूँ, आज तुम बेडरूम में सोए थे ना, तो देख रहा हूँ इस तरीका, वो तो इसलिए देख रहा होगा अंकल उठेंगे तो मैं थोड़ा सो जाऊंगा, वही सबसे देख रहा होगा अंकल सो के 15 मिनट भी नहीं हुआ था मेरे को, 15 मिनट एक घंटा सोयो तो जब ही लोग गए उसके बाद, मैं आने के साथ की बात कर रहा हूँ, कभी रात को आए रात को जब भी देखो, अभी भी देख रहा है कि मैं सोफे पे बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठा, चश्मा लगा के देख बेटा, चश्मा लगा के देख, इतनी सी बात नहीं, मेरे को नहीं आने का आज के बाद, मेरे को नहीं आने का, मेरे को नहीं आने का आज के बाद, तुमको आने का आओ, इसके लिए हमेशा घर खुल है, उसके लिए हमेशा घर खुल है, बच्चा खत्म, और वो जवान का तो घर ही है, तुम्हारे साथ मस्ती मजाक करते, अरे क्या खिलौना होगा, मैं खेलेगा वो, तो मस्ती मजाक में ऐसा थोड़ी प्यार वाली मस्ती मजाक करता है, अंकल अंकल करके तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो, तुम बोलते हो मेरा बेटा जैसा, तो वो अपना बाप जैसा समझ के तुम्हारे को कर रहा है ना, बाप इनफैक्ट तुम्हारे को दोस्त समझता है, तुम लोग किसी दोस्त जैसी मस्ती, दोस्त मस्ती में कितना बोल दिया उसने अंकल मार सर को, अभी मैं तुमको बोलूं कुर्सी पे बैठो, मैं तुमको बोलूं जाने यहां से हटो, मैं बोलूंगी तुमको बुरा नहीं लगेगा, क्यों लगेगा बुरा, तुम समझते तुम्हारी तकलीफ है, नहीं जम रहा है तुमको, मेरी भी तकलीफ थोड़ी समझ, अरे बेटा तू तो दुबला पतला है, दुबला पतला कौन से एंगल से दिख रहा हूँ, मेरे को डबल एक्सएल कपड़े नहीं आ रहे, अभी तुम दुबला पतला बोल रहे, मेरे को लोग कैसा थोड़ी है, दोनों के जैसा क्या, मैं अभी डिलीवरी हुई है मेरी, तो इसलिए डिलीवरी होगी तो इसके लिए वैसी होगी, बाद में 2-4 महीने बाद वो सही हो जाएगी, जैसी मैं होगा जवान जरा थोड़ा बड़ा होगा तो फिर देखना, मेरे को जवान होगा मैं नहीं आऊंगा आज के बाद, जान मेरे मन में फालतू बातें मत करो जान, बार बार बोल रहे की चलो चलो देखो नहीं लेने का, चलो उठो तुम, क्या तमाशा लगा के रखे हो, बोल रहे कैसे क्या आना तो नहीं आना तो मत आओ, पागल हो गया रस्ते का, बात कर रही नहीं था उससे, मेरा बात कर रहे हो, तुम क्यों छटके दिखा रहे हो, सॉरी उसके तरफ से मैं सॉरी बोल रही हूँ, अकेले उसका घर नहीं मेरा भी घर है डड्डू, हम दोनों का है, ऐसा नहीं है कि कोई जब जब वो इसी करता है मेरे साथ, कोई बात नहीं ना, तो जब अंकल जो रूम में नहीं बैठूंगा मैं, और क्या, अरे ये क्या बात है, अभी जब नहीं जम रहा तो क्या कर सकते, वो बात तो एक महीने में दो तलवार नहीं ले सकती, वो और ही बात कर रही है, मत रख रिश्ता है मेरे साथ, रिश्ते की बात नहीं है अंकल, रिश्ता तो है नहीं रख मेरे साथ, रिश्ता रिश्ता देखने थोड़ी बना है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं बोल दिया आज के बाद मैं नहीं आऊंगा घर में, चटके मत दिखाओ, हाँ पागल है क्या तुम, घर के अंदर इतने अच्छे से रह रहे दो दो दिन से, ये क्या हरकत कर दी तुमने, ये क्या बोल दिया, बोल रहा क्या ये, अंकल आना तो आओ नहीं आना तो मत आओ, लेने का नहीं है मेरे को यहाँ, आज के बाद नहीं आऊंगा, तुमको रहने का लो तेल लगाने का, मैं चला मेरी ओला पकड़ के, तुम्हारी मर्जी अंकल, देख अरे यार सूफियानी क्या देख रही है, मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता ना, चुप रहो, तुमको जो तकलीफ हो तुम भी वहीं जाके रह लो फिर नीता, अरे जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है, ना क्या बोल दिया उसने, बोल रहा रहना तो रो नहीं रहना तो खुदाफिस, ऐसा नहीं बोला मैंने, बोला आपकी मर्जी अंकल, अगर आपको ऐसा बुरा लग रहा है कि भाई मेरे से मैं चुप रहा हूँ आपको, तो अंकल उसके लिए बोला मैंने, ये नंबर दूसरा तो बोले अंकल सॉरी मेरे से गलती तो माफ करना, ये अपने को नहीं पता है, ये जिल्लत की जिंदगी इज्जत की मौत बेहतर है भाई अपने, नहीं है तुमको ऐसा लग रहा है, अरे नहीं है तो क्या दूसरा सूफिया लाके बैठा है क्या इधर, तुम ऐसा क्यों भी है, क्या बात कर रही है यार, तुम ऐसे कभी नहीं डिसरिस्पेक्ट करते हो यार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर अभी तुमको डिसरिस्पेक्ट लग रहा है ना, काम हो तुम भी साथ में चले, मेरे को क्यों, चल भाई चल, हम लोग को बोझ नहीं है, तुम भी साथ में चलो, हम लोग को कोई बोझ नहीं है, चल बेटा चल बच्चों को ले चल जाएंगे, किसी बात पे तुम हम लोग का रिश्ता क्यों खराब कर रहे हो, हो गया सुकून मिल गया,
मेरे को क्या बोल रहे? अरे तो तुम मम्मी डड्डू की गलती नहीं है, वो उंगली कर रहा है मेरी। गलत सुफियान, मैं उंगली थोड़ी कर रहा हूँ। डड्डू अगर वो तुम्हारे को कुछ काम मिल रहा है रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। अरे काम की नहीं बात है, सो रहा उधर भी उंगली कर रहा बैठा तो अंकल जरा फुक्का फुका दो। अरे कौन सी ईगो वाली बात हो गई नीता, है तो फिर अभी मेरे को बोलो, मैं अब बोलो मेरे को, तुम ईगो वाली बात हो गई ना। अरे यार मैं बहुत स्ट्रेस पे हूँ ऑलरेडी, हर चीज को लेके तुम लोग मेरे पे और मत डालो यार, ये सब नहीं हैंडल करने के लिए। इसके लिए मना करता हूँ, मत अपने वजह से किसी का घर खराब हो, सब किसी भी एक बार। तो मैं तो आई इसके लिए कि बच्चे लोग को ना जब बड़ा कर दिया उनको अपनी जिंदगी जीने दो, ये बीच में कुत्ते लोग इधर टांग मत लड़ाओ। अरे छोटा मना करता हूँ तुमको, मत आया करो। छोटा बच्चा है, उसको सब सामान खरीदना था, बच्चे को ले ले कहाँ मार्केट में जाएंगे, इसके लिए मैं आई ना। अभी वैसे भी टाइम का भी लगा दी गई, इसके एग्जाम चालू हो जाएंगे, रमजान चालू हो जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा। हमेशा मना करता हूं मैं, तुम मेरे को बोलो, मैं नहीं जैसे बात करूंगी, तुम लोग तुम उसको क्यों बोलते हो। इसके लिए बोलता हूं 100% लोगों के आज की तारीख में है ना डिवोर्स इसके लिए होते हैं। अरे यार डड्डू क्या माँ बाप इंटरफेयर करते बच्चों की लाइफ के अंदर, बच्चे बड़े होकर उनको छोड़ दो उनके हाल पे, उनको जीने दो अपनी जिंदगी, हमको बीच में नहीं कूदना है कि बच्ची के आगे रुके। अरे तो हम लोग इंटरफेयर थोड़ी कर रहे हो। अरे तो कौन बोल रहा है कि तुमको कोई या तुम्हारे रूम में? मैं मैसेज दे रहा हूँ। मैसेज किसको? तेरी माँ को, दुनिया की हर माँ को दे रहा हूँ। यहाँ बैठ के सब माए देख रही और सुन रही है, तुम क्या बात करते हो यार, तुम लोग बहुत। ये होता है दामाद। अच्छा दामाद बोलो मत। लड्डू यार मत बोलो, अच्छा है वो, होता है कभी कभी, बोल दिया उसने प्यार से अगर तुम्हारे को बोल दिया तो। एक काम करो तुम लोग लड़ते रहो, तुम भी जाओ, तुम लोग भी जाओ, मेरे को अब सुकून में मैं और जोहान रहते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। बच्ची को मेरे रुलाते रहते, तुम लोग कुछ भी प्रॉब्लम तुम मेरे को बोलो, मैं उसको बोलूंगी। कितना ज्यादा स्ट्रेस है लाइफ में मम्मा, कितना स्ट्रेस है, लोग क्यों नहीं समझते। तो गाइस कैसा लगा प्रैंक हम लोग का बताना, और ये बंदे ने मुझे उकसाया है कि अंकल तुम 2 दिन से नहीं थे तो बहुत बोर आ रहा था मैं, तो बोले कुछ अंकल नवा कुछ करते, और मैं आता हूँ ना ये मेरी बेटी का हमने बुरा कर। कैसा लगा नीता हम लोग का प्रैंक? बहुत ही बकवास, और मैं जा रही हूँ अभी, प्लीज आई डोंट नीता सही में। अभी इन लोगों ने दोनों को एक एक तलवार देते हैं, मारो एक दूसरे को। हाँ। कुछ नहीं प्रेंक बोलता है। देख ये तेरा सुफियान ही है ना, तेरा बदला लेता है। अंकल ही तो बोल दिए, मैंने कुछ बोला नहीं। ये सुफियान मेरे को बोलता है, बोले अंकल जरा रुलाओ ना उसको, मेरे से तो रोती नहीं है, बोले मेरे को रुलाती है गाली। मैं कब रुलाई तुम्हारे? अरे डायलॉग है निदाय से यार, सीरियस हो गए रे बच्चा, अगल मस्ती कर दूंगा लगता है ऐसा। तो गाइस माशाल्लाह, चल नीता कैसा लगा मेरा बच्चा, मजा आई ना? सॉरी फॉर क्राइंग है ना, मेकिंग यू क्राई है ना, मेरा बच्चा बहुत रोती रहा हमेशा। क्या करें, एक इमोशनल लड़की क्या मिल गई तुम लोग को जिंदगी में। नीता गुस्सा कैसा कर रहे थे? इनकी आईब्रो फड़फड़ा दिया, जिससे मैं आते ना तो इनकी आईब्रो यू करके फड़फड़ा, तो आदमी देख के हंसने लगे। मैं कसम से 2 मिनट में लगा कि मैं हंसू क्या करूं। नहीं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कितना भी गुस्सा होना चाहता हूँ ना, कभी गुस्सा आता ही नहीं, तो चेहरे पे रहता है ना इंसानी गुस्सा, नहीं आता अच्छा लगता है। बल्कि गुस्सा आता भी ना तो मैं जब से एक हदीस सुना ना, मौला अली की हदीस थी, वो हदीस ये थी कि गुस्सा मतलब शैतान का दोस्त होता है। तो मेरे को पहले बहुत गुस्सा आता था, मैं उठे छूटे मार देता था, लेकिन अब है ना जब से वो हदीस सुना तो ज्यादा उस पर किसको भी तुमको नहीं, नहीं मेरे पे तो
तुम्हारे को कोई मार सकता है जान? हमारे घर वालों को किसी की नजर नहीं लगे, अल्लाह ऐसी कुल गो क्या बोलते कुल मिलके कुल होके मजे करते रहे अल्लाह सबसे। और ये जो जलाबे पाल रहे हैं, बहुत से कमेंट आ रहे मोटी क्या तुम्हारे बाप का खाली क्या रे, तुम्हारे अम्मा को अब्बा आज पे लेके जावे। मेरी बच्ची को कोई मोटी नहीं बोलना, खानदानी पहलवान लोग, हम लोगों किसी का बाप का खाते नहीं है तो गाइस सुनना एकदम, हम लोग को कमेंट करते हो बिंदास करते रहो, लेकिन फालतू के मेरे बच्चों पे आएंगे ना तो भी समझ लो होश के लड्डू तुम लोग को भी मैं खिलाऊंगा, होश के लड्डू। हाँ फिर मैं बोलूंगा तो भी बुरा लगेगा, तो इसलिए गाइस हमारी फैमिली को किसी की भी फैमिली को मत बोलो तुम्हारे बाप का नहीं खाते, समझे? और अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को आज नसीब करे, और तो ये तुम लोग ये गुनाह से बचे के किसकी गीबत कर रहे हो। चलो गाइस ब्लॉग से पैसा नहीं आता है बोलना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे ना, वाह एकदम बिंदास, मेहनत करते किसी के बल पे नहीं, बल पे बल का अपना बल। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह चार पांच बिजनेस है, एक उतरता है एक चढ़ता है, समझ रहे ना? समझा जरा, समझा के ना बच्चे बच्चे अंकल जाने दो गुस्सा, मैंने बोल तू मैंने जान दो। हाँ हम लोग किसी के नहीं, अपने बल पे बल अपना बल है, हम लोग हमारा खाते। एक बार फड़फड़ा दो आईब्रो। तो गाइस देखो बच्चे लोग मस्ती कर रहे, तो याद रखो हम लोग सिर्फ अपने लोग का खाते हैं, ये ब्लॉग वॉक के चक्कर में देखना है देखो नहीं देखना खुदाफिस। हम लोग हमारे बच्चों का नहीं सोचे यानी कि उनके बल पर हम लोग कभी पल जाएंगे, तो तुम लोग क्या समझ रहे हम लोग किसी और के बल पर। और जो आज एक कमेंट पढ़ा मैंने कि भाई वो नीदा अपने माँ बाप से बदतमीज, मेरी बच्ची से मैं कैसा भी रहूँ वो मेरे साथ कैसा भी रहे, तुम्हारा क्या जा रहा है? हमारी वैसी अंडरस्टैंडिंग है, ये बात है कि तुम्हारे बच्चे तुम लोगों को गिनते नहीं तो तुम लोग एड़े चाले कर रही है। हाँ तो ये बात ध्यान में रखो एकदम, फ्रेंडली ये बोलना हमारी बेटी। हाँ हम लोग एकदम बिंदास है आज अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अच्छी है मेरी बच्ची के कोई भी चीज करने से पहले हम लोग को पूछती है वो क्या सुफियान क्या दोनों जन। ऐसा नहीं कि कर लिए बाद में भी माँ बाप को बोले तुम्हारे जैसे मैं कुछ कर नहीं पाई, टेंशन मत लो। और जो बोलो ब्लॉग में जरा ध्यान दो, ज्यादा बच्चों के बीच में पटेली मत करो, जीने दो उनकी जिंदगी उनको, नहीं तो फिर तलाक होते तो बोले आदमी खराब था, टांग लड़ाएंगे तो होएगा ऐसा। हाँ आज एक वकील मिली थी मेरे को, बहुत बड़ी वकील है, उसने बोले 90% है ना शादी में तलाक इसलिए होती है क्योंकि माँ बाप का इंटरफेयर होता है, भले वो लड़के वाले के माँ बाप बन दो या लड़की वाले के माँ बाप बन दो, शादी हो गई छोड़ दो उनको। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इरफान भाई और भाभी सब खा पी के हम लोग तर है, मजे से रहते हैं, इसलिए हम लोग सबके सर है। फिर कमेंट करने वाले बोलते हैं बहुत ज्यादा फिक्र हो जाती, सास को नहीं पूछी ससरे को नहीं पूछी। चलो में मेरा ब्लॉग खाई है तुम लोग। हाँ नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारा दामाद लाखों में करोड़ों में अब्जो में मिलियन में बिलियन में ट्रिलियन में एक है। बोलो अभी क्या बोलता है, ज्यादा बोल दिया, चाय मत बनाना बेटा, बना के पिलाया दो। हाँ चाय पिलाया मेरे को, तारीफ के पहले ही पिलवा दिया। तो चलो टाइम पास मस्ती करते रह गए रुलाते रह गए, बस यही काम करो। चलो तुम दोनों का, तुम दोनों का, हम लोग का नहीं, हम लोग का नहीं। तो चलो गाइज हमारे चैनल को लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो और हिट द बेल आइकन। तो लव यू, अल्लाह हाफिज हेट कमेंट वाले लोग को भी और अच्छे कमेंट वाले लोग को भी। तो बुरा लगे तो बुरा नहीं लगाना, दो गोली खाना और सो जाना, ठीक है? अल्लाह हाफिज।